इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। जी हां, आयोग ने प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी कलेक्टर्स को चुनाव कार्यक्रम जारी कर 20 मई तक सुझाव और जानकारी मांगी है। आयोग ने कहा है कि नवीन परिसीमन 2022 के बाद कई जिलों में यह देखने में आया है कि जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक विकास खंड में है, यानी कुछ पंचायतें एक विकास खंड में है तथा कुछ पंचायत किसी दूसरे विकास खंड में है। आयोग ने ऐसी स्थिति में दोनों विकास खंडों में एक ही दिन में निर्वाचन कराने को कहा है। आयोग ने तर्क दिया है कि स्त्री पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य मतदान समाप्ति के बाद मतदान स्थल पर ही किया जाएगा। यदि इस प्रकार से ओवरलैप हो रहे हैं, दो विकास खंडों में चुनाव प्रक्रिया अलग अलग चरणों में कराई जाती है, तो संबंधित जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन का आंशिक परिणाम प्रथम चरण की मतगणना के बाद सार्वजनिक हो जाएगा, जो संबंधित क्षेत्र के द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को प्रभावित कर सकता है। आयोग ने ऐसे विकास खंडों की पड़ताल कर उनमें निर्वाचन कराने के प्रस्ताव 20 मई तक भेजने के लिए कहा है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।